तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने रखे हैं तीन बैग, एक दो तीन, और इन तीनों बैग में भाई काइट्स मतलब पतंगे। तो ये जितने भी काइट्स हैं वो मैं लेकर आया हूँ 15 अगस्त और रक्षाबंधन के लिए। तो अभी आप लोग देखना, तो ये पूरा मेरा स्टेटस है 2020 का, रक्षाबंधन और 15 अगस्त का। तो वीडियो को देखते रहें एंड तक। तो अभी ये दो बैग हटा के मैं अलग रख देता हूँ, और सबसे पहले मैं एक बैग को खोल के उसके अंदर की पतंगे आपको दिखाता हूँ। और हाँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो उनको मैंने पहले ही अपना काइट का कलेक्शन दिखा दिया था। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को पहले से ये सब बातें पता चल जाएं, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर हमने पहला बैग खोला है, और ये देखिए, ये निकल के आई यहाँ पर मंझोली पतंगे। तो पतंगे आप देख सकते हैं भाई, ये रही पतंगे, और पतंगे काफ़ी बढ़िया हैं। तो इन पतंगे की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है काफ़ी सस्ती मिल गई, ये मुझे 4-4 रुपये में पतंगे पड़ी हैं सारी। और ये देखिए, एक पतंग ये रही। तो ये जितनी पतंगे मैं सारी नीली लेकर आया हूँ, और ये मैं 100 पतंगे लेकर आया था, तो मुझे 400 रुपये की 100 पतंगे पड़ी थी। और आप लोग कह रहे होंगे कि भाई कलरफुल में क्यों नहीं लाया, तो यार ऐसा था कि ये पतंगे मैं काफ़ी दिन पहले ले आया था, और मैं सोच रहा था कि जो डिज़ाइनर काइट होंगी वो मैं लेकर आऊँगा रक्षाबंधन के एक दो दिन पहले, क्योंकि दुकान वाले जो होते हैं वो रक्षाबंधन के एक दो दिन पहले ही डिज़ाइनर काइट लगाते हैं अपनी शॉप के बाहर, तो जो मुझे अच्छी लगती मैं ले आता। लेकिन यार मैं एकदम से भूल गया कि संडे सैटरडे यहाँ पे बंद है, और मुझे फ्राइडे की रात को याद आई कि भाई संडे सैटरडे तो बंद है, और फ्राइडे को तो एकदम रात में याद आई थी, तो यार हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो यार सिर्फ यही पतंगे लेकर आया हूँ मैं। तो अब सारी ब्लू ले आया हूँ, लेकिन इससे अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेस तो आपको लड़ाके में दिखाई दूंगा। और अगर हमें रक्षाबंधन की सुबह टाइम मिलता है तो मैं कुछ डिजाइनर काइट ले आऊँगा, और वो भी लड़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 100 पतंगे हैं, मैं सारे एक साथ आपको निकाल के दिखा देता हूँ। और नीचे से ये एक दो पतंगे मैंने छत से ही पकड़ी थी, तो एक ये रही। और यहाँ पर ये डोंगे कहते हैं मेरी तरफ इन्हें, एकदम लंबी वाली पतंगे होती हैं, डोंगे कहते हैं। तो एक ये मैंने पकड़ा था, और एक ये पकड़ा था, ये देखिए पूरा ब्लैक कलर का। तो भाई ये तो तब पहला बैग आपने देखा, और पतंग देखी काफ़ी बढ़िया है। तो ये पहला बैग था अभी आपने देखा, चलिए मैं दूसरा बैग खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जो अभी आपने पहला बैग देखा था उसमें हमारी थी मंझोली पतंगे, और जो ये वाला बैग है इसमें है हमारी अद्दी पतंगे। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने खोला बैग, और पतंगे अब आप देखिए काफ़ी बढ़िया पतंगे हैं, इसमें सारी अद्दी पतंगे दिखेंगी। तो ये रही भाई अद्दी पतंगे, और सारी पतंगे त्रिवेणी पेपर में। और पहली पतंग देखिए आप, मांगदार में ब्लू है, और काफ़ी बढ़िया पतंग, और पेपर देखिए त्रिवेणी। और इसकी जो कॉस्ट है, ये सारी पतंगे जितनी भी आपको इस बैग में दिखेंगी सब 10 रुपये की हैं, या 10 रुपये से थोड़े से ऊपर हैं 12 तक की। तो ये तो 10 की पतंग है, काफ़ी बढ़िया आई। और उसके बाद एक आपको मांगदार दिखेगी, वो आपको ऑरेंज में मांग देखने को मिल जाएगी इसमें, और पतंगे सारी त्रिवेणी पेपर में, ये भी बढ़िया है। इसके बाद आप वाली पतंग आपको दिखाता हूँ। तो ये डिज़ाइन देखिए आप, कितना बढ़िया डिज़ाइन है। इसमें तीन अलग अलग पेपर का यूज हुआ है, ये अजंता पेपर है वाइट वाला, ऑरेंज वाला खातिमा, और ये ब्लू वाला है त्रिवेणी पेपर। तो तीनों अलग अलग पेपर का यूज हुआ है इस काइट में, और ये वाली काइट भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए पट्टेदार है, इसके नीचे है एक मांगदार, ये एकदम डार्क ब्लू में मांगदार है। ये देखिए ये भी त्रिवेणी पेपर में, और घुटाई भी करी है पतंग में, अभी धूप नहीं है तो आपको दिखेगी नहीं घुटाई। उसके बाद ये पतंगे आप लोग कह रहे थे, मैंने इससे पहले वाली जो काइट कलेक्शन की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपसे पूछा था ये वाली पतंगे लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ, तो काफ़ी लोग के कमेंट आए कि भाई ये वाली पतंगे आप लेकर आओ। तो ये वाली, तो इन पतंगों की भी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, और सारी पतंगे जो हैं सब स्काई ब्लू हैं प्लेन में, और 10 वो त्रिवेणी पेपर में है सारी पतंगे। और नीचे आप देखिए यहाँ पे मैंने नीम की पत्ती भी डाल रखी ताकि हमारी पतंगे एकदम सेफ रहें। और इस पतंग में देखिए मैंने क्या करा है, मुझे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, मुझे अंडरटेकर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, इस पतंग में एक फ़ोटो पड़ी थी मेरी अंडरटेकर की, तो मैंने वहाँ पर कटिंग करके ये चिपका दी। तो उसके बाद देखते हैं कि घर में कभी चिपका दूँगा ये पतंग, क्या करूँगा। और नीचे ये सब सेम पतंगे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सब एक साथ निकाल दे रहा हूँ, और सब मैंने एकदम से बढ़िया करके ये रख दी थी पतंगे। ये देखिए इसमें नेपथलीन बॉल भी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे दोबारा से ये बैग खोलना पड़ गया, तो आज काफ़ी काम है दिन में यार, ये सारी सेट करनी पड़ेंगी दोबारा से। और नीचे देखिए थोड़ी बहुत पतंगे ये रही, एक ग्रीन आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए। तो ये वाला बैग भी ख़त्म हो गया है, अब आपको दूसरा बैग दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा बैग, और ये तो आपने पहले भी देखा होगा, तो मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें से सब जो मैं त्रिवेणी पतंगे पहले लाया था एकदम डार्क ब्लू वाली, वो हैं इसमें सारी,
और इसमें लगभग 150 पतंगें होंगी इस बैग में। तो टोटल में अगर दिखाऊं तो मैं मंजूली पतंगें लेकर आया था 100, 150 ये हो गई 250, और कम से कम 60-70 वो पतंगें, कम से कम इस समय पास 300, 350 पतंगें रखी होंगी। तो ये देखिए सब, मतलब 350 में से 250 अद्दी हैं और 100 मंजूली पतंगें रखी हैं। ये सब एक साथ निकाल दे रहा हूँ, देखिए सब सेम ही पतंगे हैं। तो ये तो मैंने पहले भी आपको दिखा दिए, तो बार बार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, तो ये भी हम उड़ाएंगे, देखते हैं रक्षाबंधन में उड़ाते हैं या फिर 15 अगस्त में। और उसके बाद जो नीचे हैं वो मैंने थोड़ी बहुत पतंगें खरीदी थी, लूटी भी, वो भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दी थी। तो नीचे वो पतंगें तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, नीचे वाली। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सारी पतंगें मैं रक्षाबंधन और 15 अगस्त के लिए लाया हूँ। तो ये तो अभी आपको काफ़ी कम लग रही होंगी ऐसे देखने में, अभी पूरी सेट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और ये सारी बैग हमारे खाली पड़े हैं। और जो नीचे पतंग है, इसमें एक ही पतंग आप देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया कारीगर की रईस की पतंग है ये। और जो नीचे आप पतंग देख रहे होंगे, ये सब मैंने किसी से खरीदी थी, ये लूटी हुई पतंगें, तो उसकी मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी। तो दोस्तों एक पतंग ये रही, ये कलीदार पतंगें रखी थी मेरे पे कुछ, एक चौक ले आया हूँ मैं और 5-6 पतंगें और रखी नीचे। तो ये भी काफ़ी बड़ी पतंगें होती हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो ये देखिए कलीदार का चौकरा, और इससे बड़ी पतंगें मेरे पास रखी थी पिछले साल की, वो उड़ा नहीं पाया था। तो ये देखिए छप्पर समझ लो आप इसे, काफ़ी बड़ी पतंग है ये, कलीदार से भी काफ़ी बड़ी है। और ऐसी पतंगें पंजाब साइड में काफ़ी उड़ती हैं, तो ये मेरी पिछले साल से ऐसी रखी है। मैं पिछले साल तो उड़ा नहीं पाया, लेकिन अब की बार पूरी कोशिश करूँगा इसे उड़ाऊँ। एक ये रखी है, दो पतंगें रखी थी ऐसी, तो ये 15-15 रुपये की मैं लेकर आया था, और एक 15 की ये लेकर आया था, ये देखिए तिरंगे में। तो ये भी वही है, सेम कॉस्ट है इसकी 15 रुपये। तो इस कोशिश करेंगे कि अब की बार रक्षाबंधन में इस पतंग को उड़ाएं, और अगर उड़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और पतंग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पतंग है, देखिए कितनी बड़ी पतंग है, बस उम्मीद करना कल हवा चल जाए। तो दोस्तों ये रही सारी पतंगें, ये मैंने सही से सेट कर दी हैं। तो अब आपको पतंगें सही से पता चल रही होंगी कितनी सारी पतंगें ये पूरे यहाँ पे, ऐसा लग रहा कि मैंने दुकान लगा ली छत में, दुकान में भी ऐसी रखी रहती हैं पतंगें। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये सारी रही मंझोली पतंगें, ब्लू कलर की हैं ये रही मंझोली। और इसके बाद जो बराबर में पतंगें रखी हैं, ये हैं अद्दी पतंगें त्रिवेणी पेपर में, ये सब अद्दी पतंगें हैं। और उधर भी अद्दी पतंगें रखी हैं, और वो बड़ी वाली पतंगें हैं, ये सब हम उड़ाने वाले हैं कल। बस उम्मीद करो कल का मौसम बढ़िया रहे। और वैसे तो यार मैंने अभी मोबाइल में चेक करा, तो उसमें तो ऐसा दिखा रहा कि बारिश होगी, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि बारिश ना हो कल, और एकदम क्लियर मौसम रहे और बहुत बढ़िया हवा चले, फिर देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग की क्या तैयारी है भाई रक्षाबंधन और 15 अगस्त के लिए। तो मेरी तो तैयारी ये रही, मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिया, बस दुआ करना कि कल मौसम बढ़िया रहे और हम काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाएं। और हाँ, रक्षाबंधन की जो वीडियो होगी वो कल नहीं आएगी, क्योंकि कल तो मैं पूरा दिन पतंगबाजी करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, और परसों आपको वीडियो मिल जाएगी एडिट वेडिट करके, सब परसों वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जहाँ तक है परसों ही आएगी, तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो। और यानी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।